हेलो फ्रेंड्स, मैं नमो। आज हम बनाएंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देख सकते हैं आप, मेरी सांभर की दुकान लगी हुई है। सबसे पहले तो सांभर बनाने के लिए तुअर दाल चाहिए। एक कटोरी तुअर दाल ली है मैंने। सांभर बनाने के लिए कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैं ली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ड्रम स्टिक, एक ऑनियन, लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल्स, कैरेट है, बॉटल गार्ड है, पम्पकिन है। सांभर के लिए आप मार्केट का भी सांभर मसाला यूज कर सकते हैं। मैं आज सांभर मसाला घर पे बनाऊंगी। सांभर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच गोटा उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 इंच के आसपास अदरक डालेंगे, 5 से 6 लहसुन, स्वादानुसार नमक, हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च 3 से 4 लाल मिर्च, तीखा आपको जितना पसंद हो। इमली का पानी लिया है मैंने। और लास्ट में सांभर में हम अपने तड़का लगाएंगे, जिसके लिए लिया है मैंने कढ़ी पत्ते, 3 लाल मिर्च लिया है, 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने सरसों, और डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून हींग। तो चलिए आज हम हमारी सांभर बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी दाल को पकने के लिए रख देते हैं। ये तुअर दाल को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है, आप भी वॉश कर लें। इसे प्रेशर कुक में डाल देंगे। हल्दी डाल देते हैं इसमें, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छी तरह से लगा के और दाल को पका लेते हैं। और अब तब तक हम अपनी सांभर बनाने के लिए जो सब्जियां लिए थे, चलिए उन्हें कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्रम स्टिक को काट लेते हैं। ड्रम स्टिक को ऐसे छीलना है। ये ड्रम स्टिक मैंने छील लिया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करेंगे इतने बड़े बड़े स्लाइसेस में, इसे ऐसे कट कट करके रख लेते हैं सारी ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक मेरी कट गई है। अब हम भिंडियों को काट लेते हैं, ये कद्दू भी काट लेते हैं, पम्पकिन भी हमारा कट गया है, बॉटल गार्ड भी काट लिया है, कैरेट भी कट गया है, ब्रिंजल भी काट लेते हैं, ब्रिंजल भी काट लिया है मैंने। सब्जियां थोड़ा बड़ी बड़ी काटें, सांभर में तभी अच्छा लगता है। ड्रम स्टिक मैंने काट लिया है ऐसे बड़े बड़े साइज में, बड़े साइज में लेडी फिंगर भी काट लिया है, पम्पकिन भी बड़े साइज में, बॉटल गार्ड को भी ऐसे काटा है, कैरेट को भी बड़े साइज में, और ब्रिंजल को भी ऐसे चंकी बड़े बड़े मैंने काट लिया है। अब इन सब्जियों को बॉईल करने के लिए रखते हैं। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। ड्रम स्टिक थोड़ा हार्ड होती है, तो सबसे पहले हम ड्रम स्टिक को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद और सारी सब्जियां डालेंगे इसमें। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसमें बाकी की सारी वेजिटेबल्स हम ऐड कर देते हैं। कैरेट भी डाल देते हैं, बटल गार्ड डाल देते हैं, पम्पकिन को भी ऐड कर देते हैं, लेडी फिंगर डाल देते हैं, ब्रिंजल भी डाल देते हैं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं और दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। देख लेते हैं हम, ये दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। सब्जियां हमारी बॉईल हो गई हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये दाल को डाल देते हैं। इसमें ये इमली का पानी भी डाल देते हैं, ये जो हमने लिया था। अब इसे बॉईल होने देते हैं, तब तक हम अपना सांभर का मसाला तैयार कर लेते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए पैन में हमने ऑयल को ले लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं इनके मसालों को बिना ऑयल के, बट ऑयल रहता है तो मसाले को खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें जो मैंने लिया था, 3 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल और 1 बड़ा चम्मच जीरा और ये 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, इन सारे मसालों को इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन, ये लाल मिर्च डाल देते हैं, ऑनियन को कट कर लिया था, ये ऑनियन से भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए हल्का ब्राउन करते हैं। अभी ये हल्का ब्राउन हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं ये टोमेटोज को, इसके साथ ही हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक दाल में भी डाल रखा है मैंने इसलिए हल्का सा नमक डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा तैयार है, फ्लेम को बंद करते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इसे मिक्सर के जार में डाल के और ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्सर के जार में डाल लिया है, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं।
इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, देख सकते हैं क्या खुशबू आ रही है। मसाला हमारा तैयार है। अगर आप सांभर मसाला घर पे बनाते हैं टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, प्योर साउथ इंडियन सांभर की तरह टेस्ट रहेगा और क्या है हाइजेनिक भी रहेगा। इसलिए आप सांभर मसाला मैं तो रिकमेंडेड करूंगी कि घर पे ही बनाएं। दाल सब्जियों के साथ कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देते हैं। मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। इसके बाद इसमें तड़का लगा देंगे। अभी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का लगाने के लिए पैन में ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये सरसों डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं, कढ़ी पत्ते डाल देते हैं, लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से ये हो गया है। अब हम इसे तड़का लगा लेते हैं अपने सांभर में। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम सर्व करते हैं। ये मैंने मेरा सांभर सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी ये सांभर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।